आनंद, इस अपशकुनी को उठाकर बाहर फेंकवा देना। नहीं, मैं इसे इसके घर पहुंचा दूंगी। छोटी है, बच्ची को चोट भी लगी है। वाह मछली बहू वाह, खुद के बेटे के लिए दूध नहीं उतरा तेरी छाती से, और इस लड़की के लिए तेरे दिल में ममता भर आई। आनंद, इस लड़की को फेंक दो बाहर। ऐसा मत कीजिए, इसे होश आने दीजिए, ये अपने आप चली जाएगी। ऐसा मत कीजिए। अब और एक शब्द नहीं। तुम्हारे बेटे को चोट आई है, अपने आंसू पोंछो, जाकर उसको संभालो। छोटी सी बच्ची, आप इसके साथ ऐसा नहीं सकते। तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? हाँ, तुझे अपने बाबा का ख्याल नहीं आया? आप परेशान ना हो इसलिए तो गई थी। नानी ने बोला मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, अगर मैं आपके आसपास रही तो आप भगवान श्री के पास चले जाएंगे। नानी ने कहा और तूने मान लिया? तो और क्या करती? चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला सर पे खड़ा कर देती, नानी की खटिया खड़ी कर देती, ऐसी की तैसी कर देती, पर मुझे छोड़ के क्यों गई? तू क्या दान है तो नानी चाहे किसी को भी दे देगी। हाँ, तू तो गंगा जी का वरदान है इस गंगा प्रसाद को। पता है, बेटी की उंगली पकड़कर बाबा उसे चलना सिखाते, पर तेरी उंगली पकड़कर मैं चलना सिखाऊं? काहे ना आनंद बाबू, ये तो बस बुनकर है और डिजाइन तो कोई और बनाता है। हम काम भी कोई और को दे देते हैं। ठीक है, निकलो यहां से। चुप, और हमको ना शाम तक इसका हल चाहिए। डिजाइन बनाने आता नहीं है और पैसे मांगेंगे मुंह खोल करके ऐसे की। नाश्ता कहाँ है? नाश्ता कहाँ है? मैडम, मैडम आप अंदर कैसे जा सकती हैं? मैडम रुकिए, हम पूछ लेते हैं, पूछ लेते फिर जाएंगे। मैडम सुनिए सुनिए सुनिए, आप अंदर मत जाइए। मैडम मैडम, अरे घुसे कहाँ जा रही मैडम? हमको हमको पूछे। मिस्टर आनंद वर्धन ठाकुर, चलिए तैयार हो जाइए, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं।